बेलीज वाला मैंने ऑयल भी पकड़ लिया भाई, PSO का ओरिजिनल है। कजन है मुझे भाई, एज सुधरेगा नहीं ये पिछले यार भाई। कजन मेरे पास भी गिलास आ चुका है लेकिन मेरे पास वाइट है, ये कौन सा है? केले वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रिंस अब्दुल वहीद और आप लोग देख रहे हैं वहीद मिलना। तो यार आज है जुम्मा, सभी को पहले जुम्मा मुबारक। तो यार आज का मज़ेदार व्लॉग करते हैं जुम्मे मुबारक से शुरू। तो यार हम बर्गर बच्चे नहीं हैं, हम बस पेंडू लड़के, पेंडू की तरह काम करते रहते हैं, हार्ड वर्क करें भाई। हम बचपन से हार्ड वर्क कर रहे हैं, हमारे दादे परदादे भाई वो भी बहुत मेहनत करते थे, वो भी हार्ड वर्क करते भाई। ऐसा नहीं है कोशिश के लगाते हैं कार्टन शर्टन पहने भाई, अल्लाह पाक का शुक्र है फिर भी अपनी रोजी रोटी करते रहते हैं। अच्छा मेरे पीछे इसको मैं लेके गया था फुलवाई करवाने के लिए, ये बुक्स वगैरह पता नहीं क्या नाम है इस बुक्स का, रजिस्टर है इसमें भाई लिखाई करेंगे और जो कपास होगी ना तुलाई करने के बाद उसको लिखाई करेंगे। अच्छा कपास है ना, वो भी मैं लोड करके लेके आया हूँ भाई डीजल वाली बाइक पे, ये चक्कर। अच्छा इतना वजन पीछे पड़ा है, चलते हैं अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अरे मज़े, हम जुम्मा नमाज से फारिग आ चुके हैं। तो मैं आया था अपनी खेतों पे यार, ये शुगर केन मेरा है तो ये देखने के लिए भाई, ये हमारा डेरा है जहाँ पे हम आते नहीं, ना रहते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं, बस ये ऐसे पड़ा है इसलिए इसकी सफाई वगैरह नहीं है। क्या हाल है? अच्छा मैं खड़ा हूँ तो आपको? नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मैं आपको उठवाता हूँ। किस चीज पे रखोगे? उबाड़ो के साथ में जा रहा हूँ, उबाड़ो के लिए रवाना होना है, मुझे थोड़ा काम भी है। फाइनली गाइस मैं पहले यहाँ पे बैठा था लेकिन एक बंदा और आ चुका है मेरे साथ, ये है मेरा कजन। हॉस्पिटल आया, पेट में दर्द हो गया था, आलू कम खाने पेट में दर्द तो होना है ना। कजन मेरे पास भी गिलास आ चुका है लेकिन मेरे पास वाइट है, ये कौन सा है? केले वाला। अच्छा केले वाला वाइट वाइट। फाइनली गाइस हम जा रहे थे अब्दुल कादिर टाउन, तो हमें ये मिल गए, ये नए नए चेहरे आप लोग चेक करें। मारूफ भाई, इम्तियाज भाई, एजेस भाई, इम्तियाज भाई को बहुत चोट लगी थी। और मारूफ भाई क्या हाल है, कहाँ घूमे? कजन है मुझे भाई, एज सुधरेगा नहीं ये पिछले जिंदगी भाई। ये लोग तो बहुत शरीफ है लेकिन आपकी लेवल भी अलग है। नहीं नहीं ये अच्छा आदमी है, ये वैसे शुगली इंसान है ऐसे ना मारू भाई, शुगर हो जाए पे जिंदगी में सफा सेट ना हो जाए। हमने सोचा यहाँ अब्दुल कादिर टाउन में आएंगे लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी है, समझे पिघल रहे हैं। ये कजन मेरे साथ ये भी मुझे मिल गया, ये अचानक आ गया था, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसकी तबीयत ऐसे खराब हो गई थी, इसके पेट में हो गई थी भाई गड़बड़। उसे पकौड़े का शौकीन है, हम उसे ज्यादा खाता है तो इस हिसाब से इसकी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा यार बाइक का मुझे ऑयल भी चेंज करना है, अभी जाना है पंप पे, इसका ऑयल चेंज करना है, ओरिजिनल PSO वाला ओरिजिनल जेन्युइन वहाँ से मुझे पकड़ना है। कादिर टाउन में मैं बैठ चुका हूँ और ठंडा पानी भी मुझे मिल गया, मजे भाई। अच्छा समोसे खाने हैं आपको? वैसे खिलाऊंगा मैं यार, इसको पेट में दर्द है, समोसे नहीं खाएगा, समझ रहे हैं? वैसे तो मुझे खिलाने थे इसको, ये नहीं खाएगा तो इसलिए मैं इसको चाय पिलाऊंगा। हाँ चाय से, बाकी आप लोग समझदार हो, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ऐसे ना भाई, हंस क्यों रहे हो? हंसने का मतलब मैं जानता हूँ ये क्यों हंस रहा है, बाकी आप लोग समझदार हैं। फाइनली गाइस मैं अलजिदा होटल पे बैठा हूँ यार, मेरे साथ जो कज़न है ये भाई चाय का बहुत शौकीन है, ये मुझे बोल रहा था मुझे चाय पिलाओ चाय पिलाओ। मैंने कहा भाई ठीक है, एक ऐसे होटल पे चलते हैं जहाँ बस 5 मिनट में हमें चाय मिल जाए, चाय पी के इसको मैं भगा दूंगा बस, ये चला जाएगा अपने विलेज। बिलीज वाला मैंने ऑयल भी पकड़ लिया भाई, PSO का ओरिजिनल है बिलीज वाला। आप लोगों को पता होगा भाई मैं इतना आलसी हूँ, इतना आलसी हूँ, तकरीबन मेरी जो बाइक है 2200-2300 किलोमीटर चल चुकी है भाई, 1000 रुपये इसका चेंज करवाना होता है, ये तो भाई बहुत ऊपर चल चुकी है। खैर आज जैसे तैसे मैंने कहा यार आज इसका चेंज करवाते हैं, और ये पानी भी हमारे पास आ चुका है, ले आप पियो बाद में मैं पीऊँगा। फाइनली गाइस अब हम वहाँ से जा रहे हैं, हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को, तो ये सबसे पहले मैंने वो फ्लैग लगा लिया, पाकिस्तान की खुशी हम भी मना रहे हैं ये चेक करें। लेकिन खुशी मनाना तो नहीं चाहिए वो, इसलिए कि भाई मुहर्रम का महीना चल रहा है, मुहर्रम का एहतराम भी करना है, और मुहर्रम का एहतराम करते हुए मैंने ये लगाया है, मुहर्रम का बिल्कुल एहतराम करेंगे, जो डांस वगैरह नहीं करूँगा, बस दोस्त ने लगा के दिया। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे रुका, मैंने पूछा यार फ्लैग कितने का, उसने बस लगा लिया, कोई पैसे नहीं लिए उसने, 1 रुपया भी नहीं लिया, और ज़बरदस्ती उसने लगा लिया। खुशी कर रहा है, इसकी ईदें आ गई है मुहर्रम के महीने में भाई, नहीं भाई अल्लाह पाक रहम करेगा भाई। हमारे इलाके में रेस होती है, बहुत ही फेमस रेस होनी है, तो अभी मैं वापसी आ चुका हूँ, जो वाहड़े होते हैं जिसको बोलते हैं गांव बे, जिसमें हल चलाते थे, वो चेक करें। अब ये इसकी दौड़ लगाएंगे यहाँ से लेकर वो वहाँ तक, तकरीबन 1 किलोमीटर इसकी दौड़ लगाएंगे, बहुत ही फास्ट बहुत ही स्पीड से ये इसकी गाड़ी आ रही है, ये चेक करें अब इसमें लगाएंगे। यार फाइनली गाइस आप लोगों ने रेस देखी लेकिन लोग गिर गए भाई, इतनी स्पीड होती है, बहुत स्पीड। मैंने वीडियो नहीं बनाई, शुरू वाली क्लिप नहीं बनाई क्योंकि प्राइवेसी होती है ना, आप लोग समझदार हैं तो इसलिए मैंने नहीं बनाई भाई, बहुत स्पीड थी उसको,
तो यार गिर गया बेचारे। तो खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। तो हम याद हाफिज़।